है तो बन बन गए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन है कि नहीं है, एक भी नहीं है तो कंप्लीट करें। 4.2, 4.2 में ट्रायंगल का एक फॉर्मूला यूज़ करना है, और ट्रायंगल के फॉर्मूले के अलावा हम लोगों को नहीं, बस ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक। और ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वाला फॉर्मूला है जिसमें हर हमेशा तुम्हें क्षेत्रफल ही निकालना रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसको निकालने के लिए दो मेथड है, एक जो कि हालांकि देखो सारणिक को अगर ओपन करेंगे तो जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वही निकल के आता है, बट दोनों को अलग अलग ही मानेंगे। हाफ के साथ में ब्रैकेट लगा देंगे। अगर यहाँ पे एक्स वन आया है, यहाँ पे अगर एक्स वन आया है तो वन के बाद टू आता है, तो और टू के बाद थ्री आता है। फिर यहाँ पे अगर एक्स टू लिया है तो टू के बाद थ्री आता है, और थ्री के बाद वन आता है। और एक्स थ्री अगर यहाँ पे लें तो थ्री के बाद वन आता है और वन के बाद टू आता है, ठीक। ये एक तो फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल निकालने के लिए। हो सकता है कहीं पर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक्स टू को यहाँ लिखोगे तो टू के बाद थ्री और वन लिखोगे, बाकी इधर उधर नहीं कर सकते वरना चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला, अब ये देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हाफ यहाँ पे लगाया, उसके बाद इसी को अगर ओपन करोगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे ही ओपन होगा पूरा। एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, और एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं और इन दो फॉर्मूलों पर ही पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, ठीक, समझ गए होगे। अब अगर दोनों में से जो भी फॉर्मूला तुम्हें यूज़ करना है वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जल्दी से फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल नंबर 7 में बता रहा हूँ, और बस एक ही एग्जाम्पल है, उसके अलावा इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। एग्जाम्पल अच्छा 6 भी है, दोनों ही बता दे रहा हूँ। हमें इसी टाइप से मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट हमेशा इसी टाइप से मिलेंगे हम लोगों को। 1300, अच्छा फर्स्ट वाले में 38 है, माइनस का 4 एंड 2 है, ठीक है। फॉर्मूला जो भी तुम्हें अच्छा लगे तुम लोग यूज कर सकते हो दोनों में से। पहला पॉइंट है 3.8, तो इसमें पहला वाला वैल्यू एक्स का काम करता है, दूसरा वाला वैल्यू वाई का काम करता है। तो क्रमशः इन्हीं को नाम दे लेना, पहले वाले को एक्स वन, दूसरे वाले को वाई वन, फिर एक्स टू और वाई टू, और फिर एक्स थ्री और वाई थ्री। फॉर्मूला है हाफ के साथ में एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू, और इसमें अगर वैल्यू लिखना चाहोगे तो एक्स वन का वैल्यू 3, एक्स टू का -4, और एक्स थ्री का 5, बाई वन इज इक्वल टू 8, बाई टू इज इक्वल टू 2, बाई थ्री इज इक्वल टू 1। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, बाई वन बाई टू बाई थ्री, 1 1 1। ओपन करने का सभी को पता होगा, तो यहाँ पे हम लोग हाफ को बाहर कर दे रहे हैं। सबसे पहले 3 को होल्ड करना पड़ेगा, 3 को होल्ड करेंगे तो 2 बन जा 2, और माइनस का, फिर ये 8 माइनस के साथ आएगा। इसको होल्ड करो, इसको होल्ड करो, -4 का गुणा और 5 का गुणा, फिर इसको होल्ड करो, इसको होल्ड करो, 4 एकम 4 और 5 दूनी 10। हाफ के साथ में 2 माइनस 1 मतलब यहाँ से 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 4 9 होगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 9 8 72, और माइनस का 14 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 14, ठीक। 73 और 75, उसमें से 14 माइनस कर दो, ठीक है। 75 में से 14 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 65 और 61, 61 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 61/2,
है ना, आंसर आ जाएगा 61/2। अब इसका कोई यूनिट नहीं आता, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, बट यहाँ हमारे पास सारा का सारा नंबर में ही है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए यूनिट नहीं होता तो इसको ऐसे लिख देते इकाई, है ना, जो भी इधर इकाई होगा उसका स्क्वायर। ठीक, यह है एग्जाम्पल नंबर कितना, 6। तो उसमें पहले दो पॉइंट को लेके, है ना, स्टार्ट वाले सारणिक का दो पॉइंट लेके तीसरा पॉइंट हम इसलिए, पहला वाला देखो, उसमें पहले वाले में उन्होंने रेखा का समीकरण निकालने के लिए बोला है, अब उन्होंने उधर पे थोड़ा सा ये बोल दिया कि सारणिक से ही निकालो, अदरवाइज हमारे पास फॉर्मूला था x माइनस एक्स वन वाला, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेते तो भी हमारे पास एक रेखा का समीकरण आ जाता, ठीक, इससे भी आ जाएगा, लेकिन चूंकि सारणिक बोल दिया तो फिर हम लोगों को सारणिक ही यूज़ करना पड़ेगा। एक कॉमा तीन और बी पॉइंट है 0.0। अब चूंकि रेखा का समीकरण निकालना है तो उसमें कुछ वेरिएबल होना चाहिए, है ना, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ एक्स वन बाय वन, एक्स टू बाय टू और एक्स थ्री बाय थ्री। रेखा का समीकरण निकालना है तो कुछ दो वेरिएबल मान के चलना पड़ेगा तभी हमारे पास समीकरण आएगा, अदरवाइज दो पॉइंट से रेखा का समीकरण कैसे निकाल सकते हो, है ना, तो इसके लिए डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ, ये क्वेश्चन के चांस कम रहेंगे आने के, ठीक है, क्योंकि सारणिक से किसी रेखा का समीकरण निकालना और उसमें भी फिर ये फॉर्मूला कौन सा वाला, क्षेत्रफल वाला लगाना, ये तो फॉर्मूला क्षेत्रफल का होता है, समीकरण रेखा का निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाता है एक तरीके से, है ना, तो अभी इसमें क्या करना है, हम लोगों को वन को होल्ड करना है, वन को होल्ड करेंगे, इस पूरी रो कॉलम को होल्ड करो, जीरो का गुणा इसमें और माइनस का बाय, फिर माइनस थ्री के साथ में ये होल्ड करो, ये होल्ड करो, जीरो का मल्टीप्लाई वन में और माइनस का एक्स, प्लस के साथ वन, फिर ये होल्ड करो पूरा जीरो जीरो, यहाँ पूरा जीरो आएगा, हाफ माइनस का वाई, माइनस का थ्री इसमें गुणा होगा तो प्लस का थ्री एक्स और बाकी का जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये सारा का सारा डेल्टा के इक्वल है और डेल्टा का वैल्यू हम रख देंगे जीरो के बराबर, ठीक है, ए पी बी, ठीक, तो इधर पे हम डेल्टा का वैल्यू जब जीरो के इक्वल कर देंगे तो ये टू उधर जाएगा, है ना, यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे, टू इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, माइनस का बाय प्लस का थ्री एक्स बराबर जीरो आ गया, और बाय बराबर देखेंगे तो इसी में हम लोगों को k का मान निकाल के दिखाना है, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे k के मान के लिए, यहाँ पे उन्होंने तीसरे पॉइंट के नाम दे दिए हैं k कॉमा जीरो, बाकी सारे पॉइंट एज इट इज रहेंगे, और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा का जो मान है उसको रख के चलेंगे, कितना दिया हुआ है, तीन, तो तीन हम लोगों को डेल्टा का मान दिया हुआ है, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन को होल्ड करेंगे, तो ब्रैकेट लगा देता हूं मैं यहाँ पे, और वन के साथ में जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो से मल्टीप्लाई पूरा जीरो, माइनस का थ्री आएगा, थ्री के साथ ये जीरो, माइनस का के, और प्लस के वन के साथ में ये पूरा जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ भी जीरो, इसको दो को यहाँ भेज देंगे तो छः आ जाएगा, और बाकी का यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का थ्री के इज इक्वल्स टू सिक्स, के का मान आ जाएगा दो। अब ये दो प्लस माइनस में आ रहा होगा क्योंकि ये क्षेत्रफल जो है ये दिया हुआ है वर्ग इकाई में, है ना, हालांकि क्षेत्रफल देखो माइनस तो नहीं हो सकता, हम तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे के का मान, बट के का जो मान है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता, क्षेत्रफल जो है वो प्लस माइनस नहीं हो सकता, बाकी के का मान जो है वो हो सकता है, बट हम लोग पॉजिटिव ही ले रहे हैं ना,
क्योंकि क्षेत्रफल अगर पॉजिटिव लिया तो के का मान भी पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हम लोग क्षेत्रफल को नेगेटिव नहीं लेंगे तो के का मान भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो अभी ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, है ना पूरा।